जय हो वे, जय हो वे, जय हो वे तेरी जय हो वे, बांके बिहारी लाल कन्हैया तेरी जय हो वे, बांके बिहारी लाल कन्हैया तेरी जय हो वे, बांके बिहारी लाल बोलो कन्हैया लाल के। बस क्योंकि आगे कथा और कहना है, अब आप भले जैसे जो भी कार्य करना हो अपना करते रहो। इस प्रकार भगवान ने ठाकुर प्रसाद देवेधर भैया महाराज के पावन दरबार में आई हुई बरातियों का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन सम्मान केवल हमारी जबान से हो रहा है, बाकी और खाने पीने वाली व्यवस्था कल है, सब आज ना है, है ना। बाबा सरकार साहब की महिमा पार थोड़ा। इसके बाद में जामवंती सत्या सत्य भामा कालिंदी मित्र बिंदा भद्रा लक्ष्मणा और एक प्राय जैतपुर का राजा भामा सुर था, जिसकी जेल में 16,000 कन्याएं सौ पड़ी रहा है। भगवान को जिसने पुकारा है उसके ऊपर भगवान ने अपनी कृपा और दया बरसाई है। लेकिन ध्यान देना, बड़ी बढ़िया है, यही तो भक्ति का मार्ग है। थोड़ा ध्यान देना मेरे सरकार। इसके बारे में आख्यान, जब भगवान ने 16,100 कन्याओं का पत्र से पढ़ा है परीक्षित बाबा, उस समय भगवान ने जाकर शतभामा को लिया है और इस नरकासुर का वध किया है। 16,000 कन्याओं ने जब भगवान इनको पाया तो यही कहा, हमारा जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, इतना ही कहा। भगवान ने सभी के साथ में पाणी ग्रहण संस्कार किया है और इसके बाद आगे आख्यान आता है सुनामा चरित्र का। पहले ये सुना, भगवान के सभी 16,108 विवाह है, सभी रानियों के 10-10 लड़का और एक एक बिटिया बही रहा है, ऐसा परिवार भगवान का यादव वंश बढ़ा है। और इसके बाद मेरे परीक्षित बाबा, भगवान का नाम एक दीन बंधु है, दीन बंधु में से रामाचरित लागू होता है। भागवत में यद्यपि नहीं आया है कृष्णस्य आसीत सखा कश्चित, एक ही श्लोक लिखा है। परीक्षित महाराज, ये तुम ठाकुर थोड़ा इधर दबके बैठो, उधर लोगों झांक रहे, उधर कृष्णस्य आसीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मदित्तमः विरतेन्द्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रियः, इंद्रियों को जीतने वाला ब्राह्मण कहीं पे लिखा है, नाम नहीं आया सुदामा। कृष्णस्य आसीत सखा कश्चित, कहीं पर भगवान का सखा, लेकिन नरोत्तम दास जी ने सुदामा नाम से विख्यात किया है। ये गरीब क्यों भाई, केवल ये कहीं प्रमाण मिला है, जब वो गुरुकुल में पढ़ते थे मैया ने लकड़ी लेने के लिए भेजा और इनको चना दिए, चना में सुदामा अकेले चबाए और ब्रह्म ने सुना और पूछा, तब देखो गुरु से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, ए नित से कभी कपट नहीं करना चाहिए। सुदामा ने वहां पर कहा था दांतों में ठंड लग रही है, केवल यही प्रमाण मिला है। और उसके बाद महाराज सरकार, सुदामा का विवाह हुआ, इनकी पत्नी का नाम सुशीला के नाम से लोग जानते, सुशीला नाम नहीं था, ये गर्गाचार्य की बिटिया रहे, नाम कौमदी था। चार लड़के, लेकिन देखो भिखारी और भिक्षुक में अंतर होता है। भिखारी का एक व्यवसाय होता है, अब भिक्षुक जितनी आवश्यकता है उतना ही मांगेगा,
ज्यादा नाचे ये गोधन गज धन बाज धन और इतना धन खानी, जब आवे संतोष तो सब धन धूर समान। इस प्रकार मेरे सरकार सुदामा गरीब है, गरीब होना बात अलग है लेकिन दिल का गरीब होना यही बात गलत है। दिल के कभी गरीब न बनो, हमेशा संतों का महापुरुषों का सम्मान और कहना मानो। केवल कथा में अंत में यही निकला है, सुदामा से सुशीला ने कहा द्वारिका चले जाओ, तो सुदामा ने कहा कहीं भी जाओ कुछ लेकर जाना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। तो सुदामा जैवे के लिए तो तैयार है मित्र के यहां, सुशीला ने जाकर के बताया तो ये लिखा गया कि पड़ोसन के यहां से तीन मुट्ठी चावल लाई है टूटे वाले। पास के महीने में सुदामा ने द्वारिकापुरी का प्रस्थान किया है और गा रहे हैं सुदामा, गात बह जा रहे हैं, क्या कहते हुए जा रहे हैं कि जहां विराजे राधा रानी और अलबेली सरकार, सांवरिया ले चल पल्ली पार सांवरिया, जहां विराजे राधा रानी अलबेली सरकार, सांवरिया ले चल पल्ली पार कन्हैया मोरे, तेरी आस लगा बैठा हूं अपना आप बना बैठा हूं, लज्जाशील गवा बैठा हूं, सांवरिया तू मेरी रागिनी, मेरे ठाकुर मेरी रागिनी, मैं तेरी रागिनी हूं, तू है मेरा मल्हार, जय हो। ले चल परली पार कन्हैया, जहां विराजे वो लड़ली लाल, विराजे लाडली लाल अलबेली सरकार, कन्हैया मर ले चल परली पार, ले चल परली पार। अच्छा गारे रन तो शरीर पैर पुराए लागे, दर्द हो लागी पैदल यात्रा, लगन मित्र से मिलन को वट वृक्ष के नीचे आराम से लेट गए। भगवान ने विश्वकर्मा के द्वारा उठाए करके द्वारिका में पहुंचाया है। जगे कुछ लोग ऐसे होते हैं सोने वाले, चाहे पास से निकल जाओ चाहे उनका ही उठाए ले जाओ, नींद नहीं खुला। कुछ लोग पास से निकल जाओ बाहो चौकट सुदामा जगे, आप प्रभु की प्रेरणा उनकी लीला उनकी माया। और जब जगे तो ए भैया ये कोई कौन से नगर है, मारा द्वारिका। अरे के लोग कह रहे हैं बहुत दूर द्वारिका, ही आता नहीं कौन आई ऐसे को ऐसे धरो पर द्वारिका। देखो एक चीज और है, महापुरुषों की और प्रभु की लीला को किसी ने जान ही नहीं पाया। खेत में लोग व्यापार में धंधा करके पैसा कमाते हो, क्या कहा था? हमारी कमाई है, मेहनत की तो मिला है, लेकिन उन्हें मालूम कहां से सब ये आ रहा है, सब हमारे महापुरुषों का आशीर्वाद। लेकिन मनता ना लोग कार मेहनत करो, समय पर पानी लगाओ, पैसा लगाओ, अब जब घाटा हो जाए तब
बुद्धि ठिकाने हो जाते। हाँ हाँ वही बात। तो हमेशा ये सोचो देने वाला कोई और है, हमारा काम है कर्तव्य करना, कर्म करना। इसके बाद सुदामा प्रभु के यहां गए। देखो संतों को ब्राह्मणों को कभी परमिशन लेना नहीं पड़ा। मुनि आगमन सुना जब राजा मिलन गए विप्र समाजा, ये तो स्वतंत्र है ना, इन्हें कौन रोक सकता। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सब इनके पांच आठ राष्ट्रपति सब लोग बैठे रहेंगे, चावल चढ़ाने वाली बात जो है वो। तो जब कथा बंद हो जाए, जो जो कोई भी लाए हो तो यहाँ पर धद्दे हो तो भंडारा में लागे जाए वो। लेकिन कथा में चढ़ाने से अशांति पैदा होती है, भाव होता है चढ़ाना। क्यों ना गद्दी पर चढ़ाई तो पंडित जी लाद ले जाए तो वहां चढ़ी गए ना, भाव होता है चढ़ गया। अब भाव है ना ही चढ़ाए थे दोहाए तो बेकार। भाव को भाव बिना श्रद्धा से कुछ फल नहीं प्राप्त होता। आज सुदामा का बड़ा सम्मान हुआ है, भगवान ने जो दिया है कोई जाने ही नहीं पाता। देखो ये बात और है, अभी हमने कहा है, हम आप लोग कहते हैं कि मेरी मेहनत का मेरे कर्म का फल है, लेकिन कर्म का फल तो है लेकिन आशीर्वाद महापुरुषों का है। इधर सुदामा पांच दिन रहे, भगवान ने स्नान ध्यान कराया कि भोजन आदि करवाया है, कपड़े बदलवाए, बड़ा सम्मान। अवंतर सुदामा से भगवान ने कहा हमारे लिए लाए क्या हो, पोटरिया जहां देखो तो हाँ बगल इंदा भी। सुदामा ने झूठ बोला, क्यों भागवत शिक्षा रह गई है, जैसी नातेदारी हो वैसे हुआ के लिए ले जाने के लिए होना चाहिए। क्यों ना ससुराल जाए रहे ले जाए रहे बता सा बढ़िया ससुराल संत आश्रम में जाए रहे बाबा नहीं। देखो अगर अच्छी वस्तु का दान करोगे तो अच्छा मिलेगा। क्यों ना मरी मरी बछिया लोग नहीं कहते एक बात कि बाबा मना न कर, जब नाई जो अनजानी ठिकाना दूध हो नहीं देती 250 ग्राम दूध दे का महाराज एक गाय दान कर। अरे तो पंडितों की कार महाराज हो गई दान ले जाओ अपन जो ऐसे भाई। अच्छी वस्तु का दान करोगे जो जैसा देता है वैसा वहां जमा होता है, वैसा प्राप्त होता है। बताया सुदामा की पोटली को भगवान ने निकाला, एक मुट्ठी चढ़ा एक लोग दिया है वो साहा बाबा की। देखो तत्काल मिल रहा है, तत्काल मिल रहा है, एक तरफ चढ़ा रहे हो एक तरफ दे रहे हैं, ऐसे मेरे महापुरुषों का हाल है। और भागवत में केवल एक ही मुट्ठी का प्रमाण आया है, लेकिन हमारे विश्राम सागर में दो दो मुट्ठी, अन्य जगह दो मुट्ठी भी लिखा है। आज लिखा एक मुट्ठी खाए दो लोग नए, लेकिन कहीं कहीं महापुरुष लोग कह देते दूसरी मुट्ठी खाई और तीसरी भर करके ये चबाना चाहा रुकमणी ने हाथ पकड़ लिया। दान करने वाले को रोकना नहीं चाहिए, भगवान नाराज हो गए। उसी तरह मेरे बिहारी ने ऐसे विश्वकर्मा को आदेश दिया है वृंदापुरी का निर्माण बहुत बढ़िया करो। सुदामा जान न पाए क्या हो गया, वहां रुके हैं भैया और थोड़े दिन के बाद जब चले हैं तो भगवान इन्होंने सोचा कुछ मिलेगा। भगवान ने साष्टांग प्रणाम किया। देखो ब्रह्म ने भी संतों का ब्राह्मणों का सम्मान किया है, लेकिन उस लायक बनो। आज ये गांव आए हैं तो ना जानो जाए, माता जी धीरे धीरे आप लोग उन्हें प्रसाद ले लो सरकार। आज भगवान ने स्वयं आकर इशारा किया है और ये मुख से निकला है सुदामा के सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मेरा कहने का तात्पर्य है सभी सुखी हो सभी निरोग हो, जैसे भगवान ने सुदामा को दिया है साहब बाबा और मेरे आए हुए महानुभाव जो देने लायक है। हम आप लोग देने के लायक नहीं है, हम आप लोग लेने वाले हैं, देने वाला कोई और है ना। और इस प्रकार
श्रीरामा को भगवान ने सर्ववान संपत्तिवान बनाया है, सीलवान गोवान वो स्वयं पहले से थे, तपोनिष्ठ थे, ब्रह्मनिष्ठ थे, जितेंद्री था, ये भगवान की दया है। ऐसे श्रीरामा का आख्यान राजा परीक्षित को बताया। और इधर देखो, इधर तो छत्रनाय जिंदा हो गया। ए परीक्षित बाबा, बहुत धीरे धीरे अब वो कथा, तक्षक जिंदा हुआ, संत का आशीर्वाद, सातवें रेड जो दसने का श्राप लगा था